शहर में चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा हो गया, पुलिस जराइम की रोकथाम में नाकाम, शहरियों ने अपनी अदालत लगा ली। बागबानपुरा में निजी कंपनी के शोरूम में डकैती करने वाले दो डाकू धर लिए गए, मैनेजर और अमले ने डाकुओं की दुर्गत बनाई, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। डाकुओं ने 70,000 नकदी और मोबाइल फोन छीने थे। गरीब मुल्क के अमीर ब्यूरोक्रेट की फायद शियारी के दावे, अखराजात शाहाना, 403 अरब रुपए की सरकारी जमीन पर अफसर शाही की मौजें, 8,975 कनाल जमीनों पर आलीशान सरकारी बंगले, छोटा बंगला 10 कनाल पर सबसे बड़ा, 104 कनाल पर मुहित, रिहायशगाहों की देखभाल पर सालाना 10 अरब 41 करोड़ रुपए खर्च, एक अफसर माहाना 10 लाख से 55 लाख रुपए में पड़ने लगा। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के दफातर, वजीर आजम ऑफिस मुतहर्रिक, कमिश्नर हाउसेज, डीआईजी ऑफिस, डीसी और डीपीओज हाउसेज, रेस्ट हाउसेज से मुतालिक जवाब तलब, डेप्टी सेक्रेटरी तो वजीर आजम का स्पेशल ब्रांच को खत। पानी सोने के भाव बेचा जा रहा है, पानी की डकैती नहीं होने देंगे, मिनरल कंपनियां हुकूमत को सिर्फ 25 पैसे अदा करके 50 रुपए लीटर पानी फरोख्त कर रही हैं। मिनरल कंपनियों की जानिब से मुफ्त पानी के इस्तेमाल पर चीफ जस्टिस की हैरानगी, बोले हमारे गड्ढा खोबे में फंसा हुआ है जबकि उसे सड़क पर लाना है। जबकि चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कंपनियों के सीईओ को आज 11 बजे तलब कर लिया। और मारूफ क्लासिकल गायक उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू ट्रैफिक हादसे में जख्मी, उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू घर के करीब वॉक कर रहे थे, मोटरसाइकिल ने टक्कर दे मारी, क्लासिकल गायक उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू की दाईं टांग फ्रैक्चर हुई, टेंपल रोड पर वाके काजी अस्पताल में जेरे इलाज, डॉक्टर्स ने हालत तसल्ली बख्श करार दे दी।